नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आसमान में टूटते सितारों के बारे में तो आपने देखा, सुना और पढ़ा होगा। क्या हो अगर हजारों सितारे एक साथ टूटकर गिरने लगे? वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा ही हैरान करने वाला दावा किया है। उत्तराखंड के नैनीताल स्थित आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने बताया है कि इसी महीने की 13 और 14 तारीख के बीच बड़े पैमाने पर तारों की बारिश होने वाली है। आसमान में हर घंटे 100 से 150 तारे टूटेंगे। नैनीताल स्थित आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर वीरेंद्र यादव के अनुसार इस खगोलीय घटना का नाम जेमिनिड उल्कापात है। डॉक्टर यादव बताते हैं कि प्रक्रिया नवंबर से शुरू हुई है जो 24 दिसंबर तक जारी रहेगी। वहीं इस खगोलीय घटना को टूटते तारों के नाम से भी पहचाना जाता है। हालांकि वास्तविक में तारों से इस घटना का कोई सीधा संबंध नहीं है। यह आसमान में गुजरते उल्काओं का जलता हुआ मलबा भर है। वहीं इन्हें धरती से देखने पर तारे टूटते जैसा एहसास होता है। वैज्ञानिकों ने बताया है कि जब धूमकेतु का मलबा पृथ्वी के मार्ग पर आ जाता है तो वह पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आकर जलने लगता है। इससे आसमान में आतिशबाजी जैसा नजारा देखने को मिलता है। यह खगोलीय घटना पृथ्वी से महज 100 से 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। वहीं टूटते तारों का यह अद्भुत नजारा क्षण भर के लिए ही नजर आता है और पलक झपकते ही ओझल भी हो जाता है।